नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आइए आज आपको दर्शन कराते हैं नौलखा महल, जो माँ सीता के लिए नेपाल में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की महारानी वृषभानु कुंवर बुंदेला पत्नी महाराजा प्रताप सिंह जू बुंदेला ने 9 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। जनकपुर का नौलखा मंदिर या हिंदू मंदिर नेपाल के जनकपुर के केंद्र में स्थित है। राजा जनक के नाम पर शहर का नाम जनकपुर रखा गया। राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें जानकी भी कहते हैं, उनके नाम पर इस मंदिर का नामकरण हुआ। यह नगरी मिथिला की राजधानी थी। भगवान श्री राम से विवाह से पहले सीता ने ज़्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। जानकी मंदिर साल 1911 में बनकर तैयार हुआ था। करीब 4,860 वर्ग मीटर में फैले इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने कराया था। इस महल में सामना 265 फीट का है। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, जहाँ सुर किशोरदास तपस्या साधना करने पहुँचे। यहाँ रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली, जो सोने की थी। उन्होंने ही इसे वहाँ स्थापित किया। टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु बुंदेला एक बार वहां गई। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वहां पूजा के दौरान उन्होंने मन्नत मांगनी कि अगर भविष्य में उन्हें कोई संतान होती है तो वो वहां मंदिर बनवाएंगी। संतान की प्राप्ति के बाद वो वहां लौटी और साल 1895 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 16 साल में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसमें इसके निर्माण पर कुल 9 लाख रुपए खर्च हुए, इसलिए मंदिर को नौलखा मंदिर कहते हैं। मंदिर में 12 महीने अखंड कीर्तन चलता रहता है। 24 घंटे सीताराम नाम का जाप यहाँ लोग करते रहते हैं। साल 1967 से लगातार यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है। वर्तमान में राम तपेश्वर दास वैष्णव इस मंदिर के महंत हैं। वे जानकी मंदिर के 12वें महंत हैं। परंपरा अनुसार अगले महंत का चुनाव वर्तमान महंत करते हैं। जानकी मंदिर में तीर्थ स्थान न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी तीर्थयात्री आते हैं। मंदिर में माँ सीता की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है, जो 1657 के आसपास की बताई जाती है। बाकी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कितनी प्राचीन है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।